हेलो गाइस, सो वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ हाई ब्लॉक्स। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, मैंने आपको तोपकापी पैलेस दिखाया। तो तोपकापी पैलेस जो है, वहाँ से निकलकर हम लोग आगे बढ़ते हैं ग्रैंड बाज़ार की तरफ, जो कि इस वीडियो का टाइटल है। तो ग्रैंड बाज़ार तरफ जाते वक्त हमें और भी कई चीज़ें दिखती हैं, वो मैं आगे आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो तब तक के लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह जो एरिया आप देख रहे हैं, ये आया सोफिया के जस्ट सामने है, और सामने ब्लू मॉस्क भी दिख रहा है आपको। इसको सुल्तान अहमद पार्क भी बोलते हैं। तो डेली यहाँ पे करीबन 2 लाख से ऊपर टूरिस्ट आते हैं, और जो वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन है इस्तांबुल का, वो चाहे आप आया सोफिया बोल लीजिए, जो कि आप सामने देख रहे हैं, ब्लू मॉस्क बोल लीजिए, या तोपकापी पैलेस। इसके साथ साथ एक जगह और है, जो कि है ग्रैंड बाज़ार, जहाँ करीबन दिन के 4 लाख लोग शॉपिंग करने जाते हैं। तो उस एरिया से हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखती है यहाँ की ट्रैम। तो ये ट्रैम रोड के बीचों बीच चलती है, और जब यह ट्रैम नहीं चल रही होती है तो आप आराम से रोड क्रॉस करके उस साइड जा सकते हैं। तो इस ट्रैम की टिकट मैंने पता करी थी, काफ़ी अफोर्डेबल रेट है, मतलब इंडिया जितना अफोर्डेबल तो यहाँ नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पर फिर भी बाकी चीज़ों को देखते हुए ट्रैम के रेट काफ़ी सही पड़ जाते हैं। तो जब हम ग्रैंड बाज़ार की तरफ जा रहे थे हयात सोफिया से, तो यह करीबन 2 किलोमीटर का वॉक है, और यहाँ से भी हम किसी भी गेट से घुसेंगे तो अंदर ग्रैंड बाज़ार ही है राइट साइड में। तो रास्ते में एक अच्छी चीज़ दिखी हमें, मैकडॉनल्ड्स। तो मैकडॉनल्ड्स एक ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी हम लोग खाते हैं, और यह ऐसी जगह जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे खुला है। तो मैंने यहाँ के मेन्यू आइटम्स चेक करे, तो इसमें वेज का आइटम मुझे सिर्फ फ्रेंच फ्राइज दिखा। तो आप उसके हिसाब से अपना प्लान बना सकते हैं यहाँ जाने का। इसके बाद फिर हम आगे और बढ़े ग्रैंड बाज़ार की तरफ। तो बहुत सारी शॉप्स हैं जो बाहर हैं ग्रैंड बाज़ार के। तो मैं आपको बता देता हूँ, ग्रैंड बाज़ार में कम से कम 4000 दुकानें हैं। तो 4000 दुकानें अगर अंदर हैं तो आप उसका एरिया सोच सकते हैं करीबन 30,700 मीटर स्क्वायर। तो ग्रैंड बाज़ार में एंट्री करने के लिए आप किसी भी गेट से अंदर जा सकते हैं और किसी भी गेट से बाहर आ सकते हैं, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपको अंदर हर टाइप की दुकानें दिखेंगी, जैसे कि हमें शुरू में ही एक स्पाइस और टी की शॉप मिल गई। यहाँ पे और भी चीज़ें थी, जैसे कैंडीज हो गई बच्चों के लिए, या यहाँ का काफ़ी फेमस है टर्किश डिलाइट, जो जेली टाइप का होता है और आइसिंग शुगर में उसको लगा के देते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे बकलावा, जो फेमस डेजर्ट है टर्किश, वो भी मिल रहा था। तो यह सब चीज़ें तो यहाँ पे इस्तांबुल में हर दूसरी या तीसरी दुकान में मिल जाएगा। तो अंदर चलते हैं ग्रैंड बाज़ार में और देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो पहले यहाँ पे इतनी स्ट्रीट्स हैं, तो पहले तो ऐसा हुआ करता था कि हर स्ट्रीट में एक फिक्स रहता था कि आप यही काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी एक गली ये है, तो इसमें सिर्फ आप ऑर्नामेंट्स बेचेंगे। लेकिन बाद में जैसे जैसे और दुकानें बनी, और फिर बहुत सारे शॉपकीपर्स जो कि बाहर कंट्री से भी आने लगे यहाँ शॉप लगाने, तो फिर सारा मिक्सअप हो गया। और अब आप यहाँ पे हर स्ट्रीट में अलग अलग चीज़ें पाएंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ें आप ख़रीद सकते हैं वो हैं ऑर्नामेंट्स, सिल्क के प्रोडक्ट्स हो गए, और सेरेमिक्स होते हैं जैसे कि प्लेट्स हो गई हैंडक्राफ्टेड, वो टर्किश काफ़ी अच्छी रहती हैं, कॉपर की चीज़ें हो गई, लेदर की चीज़ें हो गई, काफ़ी एंटिक आइटम्स भी मिल जाएंगे आपको।
वो सब भी आप ले सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ पे प्राइसेस ये काफ़ी ज़्यादा बताते हैं शुरू में, और आपको काफ़ी मोल भाव करना आना चाहिए। तो आपको यही सलाह दूंगा कि अच्छे से बारगेनिंग करिए, कम से कम नहीं तो 50% ऑफ तो करा ही लीजिए। और चलिए बाहर चलते हैं ग्रैंड बाज़ार के। तो मुझे तो ये लगा कि ग्रैंड बाज़ार के बाहर भी काफ़ी अच्छा मार्केट है, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी शॉप्स हैं जो कि रीज़नेबल रेट में देती हैं, और आपको कोई बार्गेनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी बाहर। तो बाहर आप आराम से चीज़ें ले सकते हैं बिना बार्गेनिंग करे। तो एक टर्म जो मैंने यहाँ पे सीखा वो था इंडरिम। इंडरिम मतलब डिस्काउंट। तो हर शॉप में जाके आप इंडरिम ज़रूर बोलें, कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो आपको मिल ही जाएगा। इसके बाद रात में काफ़ी अच्छा व्यू हो जाता है यहाँ का, तो थोड़ा ठंडा वेदर रहता है तो कपड़े उस हिसाब से लाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ वीडियो बंद करने से पहले सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू अगेन, सी यू सून। Girls with their nails done.